दिस लेक्चर इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स. सबसे पहले आती है पहली प्रॉपर्टी नंबर की, क्लोजर प्रॉपर्टी. व्हाट इज इट? लेट अस सी. यदि हम कोई दो नंबर्स लेके चलते हैं, सपोज 2 and 4, कोई हमने दो नंबर लिए, ये क्या है? दीज आर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एज वेल एज रैशनल नंबर्स. तो अब हम इसमें ऑपरेशंस करेंगे. व्हाट आर ऑपरेशंस? ऑपरेशंस जनरली इज द टर्म दैट वी यूज फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स और सब्सट्रैक्शन, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं. इसके लिए हम ऑपरेशन टर्म यूज करते हैं. तो यदि हम इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं, सपोज हम लेके चलते हैं इन जनरल, लेट ए बी बिलोंग्स टू सम रियल नंबर. रियल नंबर एक जनरलाइज टर्म हम बोल सकते हैं जिसमें ये सारे नंबर्स आते हैं. तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई दो नंबर लिए हैं, यहाँ हम 2 और 4 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं. सपोज 2 and 4 आर सम रियल नंबर्स. तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी में देखते हैं, 2 + 4 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, 2 × 4 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, 2 - 4 इक्वल्स टू 2 / 4 इज इट अ रियल नंबर? दे आर. 1/2 इज अ रैशनल नंबर, -2 क्या हो गया आपका, एक इंटीजर हो गया. तो ये सारे जो भी टर्म्स नंबर्स का ऑपरेशन करने पे जो रिजल्ट आ रहा है, आउटकम आ रहा है, दीज ऑल नंबर्स आर एक्चुअली द रियल नंबर्स. यदि हम इसको थोड़ा नैरो डाउन करें और सिर्फ ये बोलें कि यदि ये दोनों नंबर्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इनमें से कुछ एक प्रॉपर्टीज हमारी इधर पे होल्ड ट्रू नहीं करेंगी. लेकिन अभी यदि हम एक जनरलाइज केस जैसे लेके चलते हैं कि ए बी यदि कोई दो नंबर्स हैं और उनके बीच में यदि हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, तो उसका जो आउटकम है, इफ दैट इज ऑल्सो इन दैट रियल नंबर, तो हम कहेंगे दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन. तो इसको हम लिख सकते हैं, ए ओ बी इसका जो भी रिजल्ट है, इफ दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन आर इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, जो कि कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पे. अब यही एग्जाम्पल में हम लेके चल रहे हैं, यदि हम कहें कि 2 और 4 क्या है, दो इंटीजर्स हैं, ठीक है. तो 2 + 4 = 6 इज एन इंटीजर, 2 × 4 इज ऑल्सो एन इंटीजर, 2 - 4 - 2 अगेन एन इंटीजर, बट 2 / 4 इज नॉट एन इंटीजर. देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस. क्या क्या होंगे वो? प्लस, मल्टीप्लीकेशन और माइनस, बट नॉट डिविजन. सिमिलरली यहाँ पे जो आपने इंटीजर लिया है, इसकी जगह पे आप इसको रैशनल नंबर से भी ट्राई कर सकते हैं. यू कैन से कि क्या रैशनल नंबर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है. सो सिमिलरली यू कैन टेक सम अदर एग्जाम्पल्स एंड चेक इट कि दो नंबर्स का जो एडिशन हो रहा है उसका रिजल्ट, या फिर कोई भी ऑपरेशन आप करते हैं और वो रिजल्ट भी उस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग करता है, तब हम क्या कहेंगे, दैट पर्टिकुलर सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन जो भी उन दो नंबर्स के बीच में हो रहा है. दिस इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट कम्स और कम्यूटेटिव लॉ, लेट अस सी दैट. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी नंबर का हम ऑर्डर ले रहे हैं, इट डज नॉट मैटर. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 2 + 3 करते हैं, दिस इज इक्वल टू, एंड 3 + 2 करेंगे तब भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा. व्हाट डज दैट मीन? कि आप इसको 2 को पहले लिखें या फिर 3 को पहले लिखें, आउटकम इज गोइंग टू बी द सेम. मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यदि हम 2 × 3 को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 3 × 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का जो आंसर है, इट इज गोइंग टू बी द सेम. लेट ए एंड बी, कोई भी हम दो नंबर ले रहे हैं, ए और बी, और हम मान के चलते हैं कि ये किसी एक सेट, सपोज आर में बिलोंग करते हैं, देन ए + बी इज इक्वल टू बी
प्लस ए. यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम बोलेंगे वो सेट विल सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इफ वी टेक एन एग्जाम्पल, लेट माइनस टू एंड थ्री, ये हम क्या ले रहे हैं, दो इंटीजर ले रहे हैं. नाउ लेट अस सी इफ वी आर गोइंग टू एड देम. माइनस टू प्लस थ्री, दिस इज इक्वल टू वन. थ्री प्लस माइनस टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वन. तो हम क्या कह सकते हैं, इफ वी टेक एनी टू इंटीजर्स और यदि हम उनको ऐड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप इसमें, माइनस टू इंटू थ्री करेंगे या फिर थ्री इंटू माइनस टू करेंगे, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा. देयरफॉर वी कैन से द सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, बट ये केस सब्सट्रैक्शन के लिए होल्ड ट्रू नहीं करेगा. इफ वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट, माइनस टू में से थ्री जाएगा, वी विल गेट माइनस फाइव, और यदि हम थ्री माइनस ऑफ माइनस टू करेंगे वी विल गेट प्लस फाइव, जो कि सेम नहीं है. देयरफॉर वी कैन से तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटीजर्स होल्ड्स ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन. सिमिलरली यू कैन चेक फॉर रैशनल नंबर्स ऑल्सो एंड अदर नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स ऑल्सो. और फिर आप देख सकते हैं कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिविजन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी किस नंबर के लिए होल्ड ट्रू करती है. सो दिस इज योर कम्यूटेटिव लॉ. लेट अस जस्ट समराइज इट. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ वी टेक टू नंबर्स, किसी भी सेट के हम दो नंबर ले रहे हैं और उनको ऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऐड, मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो उसका रिजल्ट है यदि वो भी उस सेट में बिलोंग करता है तो हम कहते हैं द सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन. और कम्यूटेटिव लॉ क्या है, द ऑर्डर डज नॉट मैटर, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, रिजल्ट इज गोइंग टू बी द सेम. तब हम कहेंगे दैट पर्टिकुलर सेट सेटिस्फाइज द कम्यूटेटिव लॉ.